अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। ये देखिए यहाँ सरगोधा का वेदर, यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, बहुत काले बादल हैं। पहले बहुत सख्त आंधी शुरू हुई है और अब यहाँ पर ये बारिश शुरू हो गई है। बच्चे अपने घरों की छतों पर एंजॉय कर रहे हैं, दरवाज़ा बार बार हवा से बंद हो रहा है। मैं इधर एक साइड पर हूँ क्योंकि उस तरफ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, तो बताया जा रहा था न्यूज़ में भी कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और वो बारिश शुरू हो चुकी है। वेदर आपके सामने है, आपकी सिटी में कैसा वेदर है ज़रूर बताएं। वो देखें दूर कितनी आंधी है, ये देखें आप लोग, मिट्टी उड़ी है, साफ फील हो रही है। ऐसे पहले आंधी शुरू हुई है और फिर बारिश शुरू हो गई है, तो ये बारिशें होंगी तभी वेदर चेंज होगा और तभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट होगा। लेकिन अल्लाह से दुआ है बारिशें खैरियत की हों। लेकिन वहाँ पर अक्सर मैं देखती हूँ पहाड़ नज़र आते हैं यहाँ से, लेकिन अब इतनी मिट्टी और आंधी है वहाँ पर कोई पहाड़ नज़र नहीं आ रहे। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ऊपर आई थी, सख्त धूप थी, लेकिन एक साइड से बादल आ रहे थे, तो अभी देखते ही देखते फिर बादल शुरू हो गए। बहुत प्यारा मौसम बन गया है। आप लोगों की तरफ कैसा वेदर है ज़रूर मुझे बताइएगा। मौसम तो अच्छा है, हम लोग तो इस मौसम को इन्जॉय करते हैं, लेकिन जिन इलाकों में सैलाब आए हैं, जिन शहरों में सैलाब आए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक रहम करे, रहमत और खैर खैरियत की बारिशें हों। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। आप लोगों के लिए मैंने अपने इस चैनल के ऊपर बहुत से शॉर्ट्स इसीलिए मैंने अपलोड किए थे कि अल्लाह से हमें रहम मांगना चाहिए, इसी अल्लाह पाक से हमेशा हमारे लिए बराने रहमत ही रखे बारिशों को, क्योंकि मानसून की जो बारिशें लगातार 2 माह होती रही हैं उनकी वजह से ही वो सैलाब भी आए हैं। तो अल्लाह पाक अपना करम करे, रहम करे, ये दुआ हमें लाजमी मांगनी चाहिए। इसे कहते हैं कि बारिश में दुआ बहुत बुरी होती है। सामने वालों का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से भी बंद हुआ है कि आंधी आ रही है, इन लोगों ने भी शायद बंद नहीं किया। वहाँ स्ट्रीट व्यू भी करते हैं कि कैसा है, बादलों की आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए गली में लोग नहीं हैं, आप भी अपने अपने घर में हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बारिश में बच्चे एंजॉय करते हैं बहुत। अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे हर तरफ। आज हम लोगों का प्लान था मार्केट जाने का, प्यारे प्यारे बर्ड्स भी आकर बैठ रहे हैं। इनके लिए मैंने बाजरा तो रखा है, लेकिन अभी वो मैंने कवर कर दिया क्योंकि बारिश से गीला हो जाता है, फिर ये लोग खाते नहीं हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा एक कबूतर भी आता है, इसके अलावा और भी बड़े प्यारे प्यारे बर्ड्स आते हैं खाने के लिए, तो ये सारे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बादलों की आवाज़ आ रही है बहुत, तो ये मौसम है जी यहाँ का। मैंने सोचा मैं एक व्लॉग ही शूट कर लूं, मुझे ऐसे वेदर में व्लॉग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शुरू से ही जब भी बारिश का मौसम होता है तो वो व्लॉग स्किप नहीं करती हूं, बनाती हूं। देखें एसी अभी नहीं चल रहा, एसी बंद है, लेकिन ये देखें हवा बहुत तेज़ है। मौसम आपके सामने है, हमारे ये स्टूडियो वाला दरवाज़ा भी बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है। अल्लाह से उन लोगों के लिए भी हमें दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें भी आसान करे, जो सैलाब सदकान हैं, जिनके अपने प्यारे खो गए हैं, जिनके आशियाने घर खो गए हैं। इस्तग़फ़ार, बहुत दुख हुआ है उन लोगों के बारे में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सब पे अपना करम करे। और हमारे भी इधर सरगोधा शहर के पास ही दरियाए जो है चनाब करीब ही है, और एक और है दरिया झेलम है मेरे ख्याल से, हाँ जी दरिया झेलम ही है शायद, वो भी उसी साइड पर बनता है, वो साहिवाल रोड वाली साइड पर। तो उधर भी कह रहे थे कि अलर्ट किया गया था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था उन दरियाओं में भी, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि शहर बच गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर भी है, बहुत बड़ी नहर है, तो कभी मैं आपको विज़िट करवाऊंगी अगर उस तरफ हम लोगों का कोई चक्कर लगा तो ज़रूर। बहुत ओवरफ्लो हुई हुई थी वो भी, बस अल्लाह से रहम मांगना चाहिए।
कि यही बारिशें सैलाब का सबब बनती हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इन दिनों में, जाते जाते गर्मी ने सही से अपना आप दिखाया है। तो बारिशें आएंगी तभी मौसम अच्छा होगा, ये बर्ड्स उड़े हैं आसमान। ये बारिश, इसको बारिश वाली चिड़िया कहते हैं, वो जो एक काली सी उड़ के जा रही है। तो अब पता नहीं ये सच है भी या नहीं, बारिश मुसलसल हो रही है। ये देखें, पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखें बारिश की बूंदें। मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ। अभी भी न्यूज़ में बता रहे हैं कुछ शहरों में सैलाब का है ख़तरा, गरम करे सिंध वाली साइड पर, वहाँ पर एक झील है, उसमें भी जो वाटर लेवल है वो स्मूथ नहीं है, हाई वाटर लेवल है। तो अल्लाह पाक गरम करे अपना। ये जी आज का वेदर है, हम लोगों का मार्केट टूर कैंसिल, अब हम लोग कल जाएंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मे भी आप लोगों को आवाज़ आ रही हो हवा की, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप लोगों की तरफ क्या व्यू है, कैसा वेदर है, लाजमी मुझे बताइएगा। अभी बस मैं व्लॉग एंड करूँगी क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, मैं नीचे चलती हूँ। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वंस इन अ वीक अपने इस चैनल पर कोई ना कोई व्लॉग ज़रूर शेयर करूं। हो सकता है हम लोग आउट स्टेशन भी जाएं, तो वहां का भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, अम्मी जान भी अभी ऊपर आई हैं बारिश को देखने के लिए। अभी आपकी अम्मी जी से भी बात करवाती हूँ, हेलो हाय करवाती हूँ मैं। अम्मी के पास जाने से पहले वो नीचे चली गई हैं और अब मैं भी जा। ओ मेरा प्यारा सा कबूतर आ गया, ये देखिए कितना प्यारा है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये बाजरा खाने आया है और मैंने बाजरे वाली प्लेट को ऊपर से ढक दिया था क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। अभी ज़रा मौसम क्लियर होता है तो फिर मैं इसको, वो देखें, यहाँ पर आपको कुछ गुलहरियाँ भी नज़र आएंगी। ये भी बाजरा खाने आती हैं, ये यहीं पर कहीं रहती हैं। ये गुलहरियाँ भी यहाँ पर बाजरा खाने आती हैं, पता नहीं ये रहती कहाँ पर है, यहीं पर इनका कहीं घर है। ये दो तीन गुलहरियाँ हैं जो खाना खाने आती हैं, बाजरा खाने आती हैं। कबूतर भी आया था लेकिन अब चला गया। इस तरफ के बादल देखें ज़रा, ये बहुत तेज़ बारिश भी बरसाएंगे और ये देखें बारिश तेज़ भी हो रही है। एनीवेज़ अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआ मांगिएगा सबके लिए, अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे हर तरफ, और ये बारिशें जो हैं ये बरान रहमत हों हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह नेकबान।